नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी जो इनकम टैक्स के नई सेक्शन है 194R के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होने जा रही है 1 जुलाई 2022 से। तो दोस्तों, इस 194R का जो सर्कुलर है वो 16 जून 2022 को इशू कर दिया था CBDT बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, क्या कुछ रहने वाला है इस नई सेक्शन 194R में, किसकी लायबिलिटी रहने वाली है TDS डिडक्ट करने की, किस किस कंपनीज को, किस किस पार्टीज को इसकी एग्जम्पशन लिमिट मिलने वाली है, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको इजी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं भी ये जो रूल है किस कंपनीज के ऊपर है जो लागू रहने वाला है, और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इसके अंदर कवर होने वाले हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ जरूर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर एक अकाउंटेंट है, ताकि आप आने वाली इन फ्यूचर की जो भी प्लानिंग है उसको अच्छी तरीके से सोच समझ कर कर सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 194R यानी कि ये भी एक तरीके का इनकम टैक्स है जो कि एडवांस के रूप में कटता है। जैसा कि अभी तक हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे हमने जो सेक्शंस होते हैं 192 सैलरीज के लिए, 193 इस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के लिए, 194 194B, 194 एज कमीशन इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो सेक्शन होती है उस सेक्शन के अंदर इस सेक्शन को और एड किया गया 194R को। तो दोस्तों, ये जो 194R का जो सेक्शन है, अभी तक अगर आप TDS का चार्ट अगर आप कहीं से डाउनलोड करोगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको देखने को ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। क्या कुछ इसके टैक्स की रेट रहेगी सब कुछ इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक क्या होता था भी अगर हम किसी पार्टीज़ को इंटरेस्ट पे करते थे तो हम उसके ऊपर TDS जो डिडक्ट करते थे, कोई हम कमीशन पे करते थे तो सेक्शन 194S के अगेंस्ट में उसका TDS डिडक्ट करते थे। तो इसी तरीके से कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो इस एम्प्लॉय का हम 192 सेक्शन के अंदर सैलरी के ऊपर भी एज ए स्लेब रेट के अकॉर्डिंग उसका TDS है जो डिडक्ट करते थे। तो इसी तरीके से ये सब कुछ उससे पहले कौन सी सेक्शन किस के लिए लागू होती है वो सारे कुछ आपको चार्ट के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन अब बात आएगी भी ये 194R नहीं है और ये चार्ट के अंदर इंक्लूड भी नहीं है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो 194R है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, अगर हम सर्कुलर को छोड़ दें क्योंकि सर्कुलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ बताया हुआ है, हम उस डिटेल को ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक होता क्या था कि जब हमने मान लीजिए किसी जो हमारा कोई कस्टमर है या हमारा कोई सप्लायर्स है या कोई हमारा कोई एज ए मीडिएटर जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, तो उसका हम किसी भी टाइप का अगर उनके साथ हमारा कोई कंटेनमेंट हुआ हुआ है तो हम उसके ऊपर उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर TDS है जो डिडक्ट करते थे। जैसे मान लीजिए हमने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट पे TDS काट लेते थे, कमीशन दिया तो कमीशन के ऊपर भी हम काट लेते थे, कोई रेंट दिया तो रेंट के ऊपर भी TDS काट लेते थे, और वो एक्सपेंसेस है हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उस एक्सपेंसेस को बुक कर लेते थे। और सेम वही अपोजिट जो जिसका हमने TDS डिडक्ट किया है, सेम वही इनकम वो अपनी P&L के अंदर एज ए इनकम के साइड के अंदर बुक कर लेता था। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोचा भी कुछ ऐसे हिडन खर्चे भी होते हैं जो जो मतलब बिजनेसमैन है वो बुक्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में बुक तो कर लेता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट जिसका एक्सपेंसेस उसको जिसको पेड किया हुआ है तो उस इन बंदे की तो इनकम बनेगी, उसने तो अपना इनकम साइड के अंदर है जो इनकम आपकी दिखाई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरफ से टैक्स का नुकसान हो रहा है, एक तरफ से जो टैक्स जिसको दिखाना चाहिए था उसने दिखाया नहीं, और दूसरे ने जो टैक्स देना चाहिए था उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उस खर्चे को बुक करके और अपना नेट प्रॉफिट कम कर लिया। तो नेट प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट भी कम जाएगा। तो इसी टाइप के कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मेन बात यही आएगी, अब जैसा अभी तक क्या होता था भी कुछ ऐसे जो मतलब बिजनेसमैन होते थे भी जो उनका कुछ मीडिएटर भी होता था या फिर अगर उनका कोई कस्टमर है,
अगर उनको कोई ऐसा डिस्काउंट दिया है जो कि कोई सेल इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, कोई परचेज इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कुछ अपना प्रॉफिट बिजनेस प्रमोशन के लिए मान लीजिए कोई गिफ्ट कर दिया हो या ऐसी कोई बिजनेस का कोई टूर का कोई ट्रिप उनको दे दियो, तो उसके ऊपर टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी लोग करते कहते इस टाइप के बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो अपने बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस को बुक्स कर लेते थे, लेकिन उसका जो मीडिएटर है या फिर उसका जो कस्टमर है वो अपनी इनकम साइट के अंदर उसको बुक करना नहीं चाहता था। तो अब इसी स्थिति को देखते हुए कि 194R सेक्शन अब लागू है, अब इसके अंदर होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई ए के बिजनेस मैन है और बी इसका कस्टमर भी हो सकता है या फिर इसका कोई एज ए मीडिएटर भी हो सकता है, बी ये इस ए कंपनी का जो मतलब जो प्रोडक्ट है ये बी आदमी इसको सेल करवाता है या खुद परचेज करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कुछ कंपनी अपने सेल बिजनेस की सेल प्रमोशन के लिए कस्टमर को कुछ ऑफर देती है, ऑफर का मतलब भी आज मान लीजिए आप हमारे से मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं भी कीबोर्ड, मान लीजिए आप हमारे एक मंथ के अंदर 500 कीबोर्ड आप हमारे से परचेज कर लीजिए तो हम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देंगे। तो गिफ्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या फिर कोई टूर हो सकता है। तो ऐसा यानी कि जो कि बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है हम उसको ये मान सकते हैं कि वो ऊपर का खर्चा ही उसको देना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ए जो बिजनेसमैन है इस बी पार्टी को कुछ मान लीजिए गिफ्ट देता, मान लीजिए इसने कोई 150,000 रुपये का कोई गिफ्ट कर दिया, 150,000 रुपये का बी को गिफ्ट कर दिया, अगर ये ए अपना ये जो एक्सपेंसेस है 150,000 रुपया, तो अगर ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस के साइड के अंदर ये बुक करना चाहेगा तो ये बी को इसकी मजबूरी बन जाएगी भी इस ये बी है ये अपनी इनकम साइड के अंदर इसको दिखाए, लेकिन अब बी कहता भी मैं दिखाना नहीं चाहता और ए ने दिखा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये गवर्नमेंट चाहती है भी ए इसका जो टैक्स बी दे न दे आपका इनकम टैक्स इसका जो टीडीएस है 194 एक्ट के तहत सेक्शन के तहत आप इसका 10% के अनुसार पहले ही टैक्स आप काट के इनको पेमेंट कर दीजिए या आपने जो भी गिफ्ट करना है वो गिफ्ट है उसको कर दीजिए, लेकिन आपको टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही टीडीएस डिडक्ट होगा तो 26AS के अंदर वो अमाउंट है जो रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे 20X के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी तो ये बी की मजबूरी बन जाएगी कि वो उस इनकम को अपने इनकम की साइड के अंदर दिखाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखाएगा तो ये प्रॉब्लम बी को है, ए को नहीं। ए ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी क्योंकि इसकी जिम्मेवारी यही थी कि उसने जो भी एक्सपेंसेस यानी कि जो भी उसको गिफ्ट वगैरह पे किए बिजनेस के आउटर साइड का उसके ऊपर टीडीएस है जो डिडक्ट कर लिया है। अगर ये ए पार्टी ऐसी है भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसने एक्सपेंसेस के अंदर दिखाया ही नहीं है तो उसको जाहिर सी बात है बी भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर की बातें हो चुकी है। अगर ए पार्टी जो देने वाला है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस खर्चे को बुक कर रहा है तो ये बी को भी अपनी इनकम के साइड के अंदर बुक करना जरूरी हो जाएगा। वही जो खर्चा आएगा वो खर्चा अलग टाइप का हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, कोई टूर एंड ट्रिप हो सकता है, अगर वो चाहे वो मीडिएटर है तो भी उसका टीडीएस है जो 194 सेक्शन के तहत काटना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो इम्प्लॉई है कंपनी के उस कंपनी के इम्प्लॉई के ऊपर ये रूल लागू होने वाला नहीं है। अब रूल का मतलब कई बार ऐसा होता है भी हमने भी कंपनी के इम्प्लॉई को बिजनेस का जो प्रमोशनल बढ़ाने के लिए कुछ इंसेंटिव हमने दे दिया तो वो तो एज ए इंसेंटिव उसके सैलरी के अंदर ऐड करके उसका टीडीएस 192 सेक्शन के अंदर पहले ही काट लिया जाता है तो वो इम्प्लॉयज के ऊपर है जो लागू होने वाला नहीं है। लागू किसके ऊपर होगा, जिस या तो हमारा वो कस्टमर होगा या फिर कोई एज ए मीडिएटर होगा जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट है जो सेल होता है। और जो टैक्स की जो रेट है वो रेट रहने वाली है 10%। अब ये 10% बात करेंगे हम भी ये किसको लागू करना होगा, किसके ऊपर, यानी कि ये टैक्स का जो मतलब ये सेक्शन है लागू किसके ऊपर रहने वाला है, ये लागू रहने वाला है भी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या कोई HUF बिजनेसमैन जिसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है या फिर अगर वो सर्विस है अगर मतलब प्रोफेशनल लोग हैं अगर उसके लास्ट ईयर की जो रिसिप्ट है टोटल वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा की रही है तो उनके ऊपर ये लाइबिलिटीज बनती है। अगर वो ऐसा कुछ एक्सपेंसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर बुक करते हैं तो 194 के सेक्शन के अंदर उनको टैक्स है जो डिडक्ट करना पड़ेगा।
अब दूसरी बात आती है भी इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, तो एग्जेम्पशन जो लिमिट है वो है 20,000 रुपये तक। अगर यानी कि कोई ए मतलब दुकानदार अगर बी को कोई 20,000 रुपये तक अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब ये 194 सेक्शन लागू कब से हो रहा है, 1 जुलाई 2022 से। तो यानी कि अब मान लीजिए ए एम्प्लॉय ने बी को एक तो मई मंथ के अंदर इसने 15,000 रुपये का गिफ्ट पे किया था, ठीक है, और इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको खर्चे के अंदर बुक कर लिया। और उसके बाद मान लीजिए 5 जुलाई को ये 15,000 रुपये का गिफ्ट और देगा, तो यानी कि टोटल कितनी वैल्यू बन गई, 30,000 रुपये। लेकिन जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो किसके ऊपर होगा, जो 1 जुलाई के बाद के अंदर जो अमाउंट पे करी गई है उसी के ऊपर ही उसको 10% के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट उसको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। यानी कि काउंटिंग तो आपकी 1 अप्रैल 2022 से बनी जाएगी, लेकिन टीडीएस डिडक्ट उसी पे करना होगा जो 1 जुलाई 2022 के बाद में जो भी आपने एज ए कैश के रूप में या जी आपने गिफ्ट के रूप में या कोई टूर के रूप में जितना भी एक्सपेंसेस आपने बुक्स किए अपने अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उस अमाउंट के ऊपर आपको 194 सेक्शन के तहत जो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे जो हिडन खर्चे थे पहले, अब खर्चों के ऊपर यानी कि ये टीडीएस है जो कट रहा है, इसके अंदर आपका जो ऊपर के जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं थे, यानी कि जो कुछ ऐसे खर्चे थे जिनके ऊपर ऑलरेडी वो टीडीएस का दायरा है जो बना हुआ है, जैसा कि कमीशन है, इंटरेस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रेंट है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे खर्चे थे। लेकिन ऐसे कुछ खर्चे थे जो इसके दायरे के अंदर नहीं थे, उन्हीं दायरों को कवर करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है 194R का। और ये जो है इसका परसेंटेज रेट रहने वाली है 10% पैन कार्ड की कंडीशन के अंदर, अगर नहीं देती है तो इसका जस्ट डबल यानी कि 20% के अनुसार उसका टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी, 1 साल के अंदर 20,000 रुपये तक की छूट है, 20,000 रुपये तक टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, टीडीएस डिडक्ट करने की जो लाइबिलिटी बनती है वो उन्हीं की बनेगी जिन बिजनेसमैन यानी कि इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ की जिनके टर्नओवर 1 करोड़ से अप अबव है, या फिर ऐसे प्रोफेशनल लोग जिनके लास्ट ईयर की जो टोटल रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा की रही हो। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस नई सेक्शन को आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कमेंट में आपका रिप्लाई देने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।